राजगढ़ के जीरापुर नगर में नारी शक्ति ग्रुप के तत्वाधान में अनेकों सामाजिक और धार्मिक आयोजन 12 ही महीने समयानुसार किए जाते हैं। इसी क्रम में उक्त नारी शक्ति ग्रुप द्वारा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पवित्र रक्षाबंधन पर्व के पहले सामूहिक रूप से करीब 300 से अधिक रक्षा सूत्र देश सेवा में बॉर्डर पर तैनात फौजी भाइयों के लिए भेजे गए, ताकि रक्षाबंधन के दिन हमारे जाबाज फौजी भाइयों की कलाइयाँ सुनी न रहे। नारी शक्ति ग्रुप के सदस्य बहनों ने बताया कि हमारी रक्षा सुरक्षा व देश सेवा की पहरेदारी में खड़े हमारे सैनिक फौजी भाइयों, जिनके ऊपर ही राष्ट्र टिका हुआ है, उन भाइयों को ही प्रथम राखी भेजकर रक्षाबंधन पर्व मनाने की पहल हमने की है, ताकि उन भाइयों को बल व कामयाबी मिले। और हम बहनें भी उन्हीं के साथ खड़ी हैं और हम सभी बहनें उनकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं। जय हिंद। रक्तदाता समूह झालावाड़ के तत्वाधान में गत वर्ष से सैनिक भाइयों के लिए रक्षा सूत्र भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर जीरापुर की अनेक सामाजिक और धार्मिक संस्था के रूप में कार्यरत है। पिछले कई वर्षों से नारी शक्ति ग्रुप उसकी समस्त महिलाओं ने मेरे एक छोटे से अनुरोध पर करीबन 300 रक्षा सूत्र इकट्ठे करके दिए हैं, जिन्हें हम रक्तदाता समूह के माध्यम से सैनिक जो भाई है हमारे, उनके पास हम भेज रहे हैं। और हमारा उन सैनिक भाइयों को यही संदेश है कि वो रात दिन जो हम लोगों के साथ सीमा पर खड़े रहकर हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों की कलाई इस रक्षाबंधन पर सुनी ना रहे। हम सब बहनें उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं और रक्षाबंधन के पर्व पर हम पहली राखी उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो देश की रक्षा करते रहें और हम सब शांतिपूर्वक पूरे भारतवर्ष में सारे त्यौहार मनाते रहें। नारी शक्ति ग्रुप की समस्त महिलाओं की ओर से यह संदेश हमारे उन सभी सैनिक भाइयों के लिए है। सादर धन्यवाद। वंदे मातरम।